रायपुर जिले के अलग अलग कॉलोनियों से सोना चांदी और नगद रकम चोरी करने वाले गिरोह के सरगना किरण बबन पाटिल सहित दो आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी चोरी के पूर्व रेकी किया करते थे, उसके बाद घटना को अंजाम दिया करते थे। 29 सितंबर को प्रार्थी हनुमान प्रसाद दुबे ने सिविल लाइन रायपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके निवास श्रीराम हेरिटेज कटरो तालाब में अज्ञात चोरों ने अलमारी तोड़कर 18,02,000 रुपए चोरी कर लिए। साथ ही उन चोरों ने उनके पड़ोसी सुरेश बिजलानी के घर का भी ताला तोड़ा और वहां से करीबन 3,50,000 रुपए के सोने चांदी व हीरे के जेवरात चोरी कर लिए। पुलिस ने एक संयुक्त टीम बनाई और जांच पड़ताल प्रारंभ की। टीम के सदस्यों ने कई सीसीटीवी फुटेजों का विश्लेषण किया और आरोपियों के वाहन को धमतरी जिले के छाती गांव में अंतिम बार देखे जाने की पुष्टि की। उसके बाद टीम ने किरण भवन पाटिल और संदीप लक्ष्मण भोसले को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। घटना का मास्टरमाइंड किरण भवन पाटिल कुमाठे तासगांव जिला सांगली पुणे महाराष्ट्र का मूल निवासी है। वर्तमान में वह धमतरी जिले के छाती गांव में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चांदी के जेवरात, नकदी रकम और घटना में प्रयुक्त टाटा हैरियर कार, स्कूटी वाहन, लोहे का चाकू, एक नग पिस्टल, एक नग कारतूस और दो नग मैगजीन समेत 15,00,000 रुपये जब्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नव प्रदेश टीवी।